अगर आपका सपना है केंद्रीय विद्यालयों में सरकारी नौकरी पाने का तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों के केंद्रीय विद्यालयों में 13,404 पद भरने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लर्क, JVT, TGT, PGT, ASO, स्टेनो, JEE सहित 13,404 पद भरे जाने वाले हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आप 26 दिसंबर 2022 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बात करने से पहले, आप अगर SP हाई कोर्ट क्लर्क और SP हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यह टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है मात्र 99 रुपीज़ में। जी हाँ, आपको 99 रुपीज़ देने हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9805015005 पर। टोटल 13,404 पोस्ट फिलअप होने वाली है। पहली पोस्ट रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब कि PGT। इसके 1,409 पद भरे जाने वाले हैं। TGT के 3,176 पद रहेंगे, PRT के 6,414 पद रहेंगे, PRT म्यूजिक के 303 पद रहेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पोस्ट रहेगी, प्रिंसिपल के 239 पद रहने वाले हैं, वॉइस प्रिंसिपल के 203 पद, लाइब्रेरियन के 355 पद रहने वाले हैं, फाइनेंस ऑफिसर के 6 पद रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 2 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के 156 पद रहेंगे, UDC मतलब कि अपर डिविजन क्लर्क के 322 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा LDC मतलब कि लोअर डिविजन क्लर्क के 702 पद रहने वाले हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पद रहेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 54 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। अगर हम बात करें यहां पर प्राइमरी टीचर के तो पोस्ट वाइज आप यहां पर चेक कर सकते हैं, सॉरी आप यहां पर कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। यहां पर KVS में जो प्राइमरी टीचर है मतलब कि JVT है, उनके यहां पर आप पद देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 2599 पद रहेंगे, OBC के लिए 1731 पद रहेंगे, SC के लिए 962 पद, ST के लिए 481 पद, EWS के लिए 641 पद यहां पर रहने वाले हैं। टोटल 6,414 पद यहां पर रहने वाले हैं। इसके अलावा 97 पोस्ट रहने वाली है ऑर्थो हैंडीकैप्ड के लिए और 96 पोस्ट रहने वाली है VH कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं TGT की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की। TGT हिंदी के लिए 377 पोस्ट रहने वाली है, इंग्लिश के लिए 401 पोस्ट रहेगी, संस्कृत के लिए 245 पोस्ट रहेगी, सोशल स्टडीज के लिए 398 पोस्ट यहां पर रहने वाली है, TGT मैथमेटिक्स के लिए 426 पोस्ट रहेगी, TGT साइंस के लिए 304 पोस्ट, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए 435 पोस्ट रहने वाली है, आर्ट एजुकेशन के लिए 251, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 339 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। टोटल 3,176 पोस्ट रहने वाली है। अगर हम बात करें PGT की सब्जेक्ट वाइज तो यहां पर PGT हिंदी के 172, PGT इंग्लिश के 158, PGT फिजिक्स के लिए 135, PGT केमिस्ट्री के लिए 167, PGT मैथमेटिक्स के लिए 184, PGT बायोलॉजी के लिए 151, हिस्ट्री 63, ज्योग्राफी 261, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142, बायोटेक्नोलॉजी 04, मतलब कि 4 पोस्ट। टोटल PGT की यहाँ पर 1,942 पोस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट और वो भी कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व के लिए 123 पोस्ट रहेगी, OBC के लिए 64, SC के लिए 35, ST के लिए 17 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 239 पोस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल की रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल की तो अनरिजर्व के लिए 203 पोस्ट, OBC के लिए 54, SC के लिए 30, ST के लिए 15 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। टोटल 203 पोस्ट वॉइस प्रिंसिपल की रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की तो 1,305 पोस्ट यहाँ पर फिलअप होने वाली है। ASO के 156 पोस्ट रहेगी, SSA के 322, GSA मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 702 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। बाकी पोस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप HRTC कंडक्टर और JEE टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की, तो प्रिंसिपल के लिए आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd होना जरूरी है, साथ में 8 साल का आपके पास टीचिंग का अनुभव होना जरूरी है, आपकी एज 35 से लेकर 50 के बीच में होनी जरूरी है। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन सेम है बट आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए, आपकी एज 35 से लेकर 45 के बीच में होनी जरूरी है।
पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है और साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। आपकी मैक्सिमम एज 40 वर्ष रहने वाली है। टीजीटी के लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रहने वाली है। पीआरटी या आप कहें तो जेबीटी, इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ में आपने डीएड, जेबीटी, बीएड प्लस सीटेट इनमें से आपने कुछ भी किया हुआ होना चाहिए, बट आपका सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। 30 साल आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है। लाइब्रेरियन के लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए कंसर्निंग सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो आपको देने होंगे 1500 रुपये बोथ पोस्ट, मतलब कि वॉइस और प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे, टीजीटी के लिए 1000 रुपये, लाइब्रेरियन के लिए 1000 रुपये, प्राइमरी टीचर के लिए 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर देने होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट आते हैं एस सी एस टी या पर्सन विद हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन, तो उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी, मतलब कि दे आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। अब बात करते हैं यहाँ पर कि केवीएस में आपको सैलरी स्केल क्या मिलने वाला है। प्रिंसिपल के लिए आपको स्केल दिया जाएगा 78,800 रुपये से लेकर 209,200 रुपये, वॉइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये, पीजीटी के लिए 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये, टीजीटी के लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये, लाइब्रेरियन का स्केल यहाँ पर रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर जो असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट रहने वाली है उसके लिए स्केल रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये, पीजीटी का यहाँ पर रहेगा 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये। आप कट ऑफ भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और साथ में आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं।